हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तीर्थ महंतो और आप देख रहे हैं ग्लोबल गुड बुक्स इंफॉर्मेशन। सन 1857 में हुए सिपाही विद्रोह को भारत के इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध सबसे पहला विद्रोह का मान्यता मिला है। लेकिन 1857 से पहले सन 1855 में एक विद्रोह हुआ था जो कि सांताली कम्युनिटी के द्वारा किया गया था, लेकिन ये कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। सन 1855 में सांताल हुल या विद्रोह आज के सबसे गंभीर विद्रोह के रूप में याद किया जाता अगर इस लड़ाई को सही मान्यता दिया गया होता, जिसका सामना कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। इसके बजाय इस विद्रोह को भुला दिया गया, जिसके लिए बंगाल सेना की 10% पैदल सेना प्रतिबद्ध थी और जिसमें कि कम से कम 10,000 सांताल मारे गए थे। इसके स्मृति आज भी सांताली कम्युनिटी के लोगों के जहन में जिंदा है, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने इस बात को दबाने की कोशिश किया और जिसके बारे में इतना ज्यादा विस्तार से कहीं पे प्रकाशित नहीं किया गया, और इसमें शामिल अधिकांश सिपाही 1857 की लड़ाई में शहीद हो गए। एक ब्रिटिश अधिकारी के शब्दों में हुल युद्ध नहीं बल्कि निष्पादन था और इसी प्रकार अयोग्य घोषित करके इसको खारिज कर दिया गया। पीटर स्टैनले ने हुल की पहली व्यापक व्याख्या को निर्माण किया है। यह जांच कर रहा है कि यह क्यों हुआ और यह कैसे लड़ा गया और यह क्यों और कैसे समाप्त हुआ। भूख और बीमारी के बीच हुल का अंत हो गया, लेकिन इसके खूनी प्रकोप, इसके लंबे दमन और इसके दूरगामी प्रभाव के बीच स्टैनले ने यह प्रदर्शित किया कि हुल सिर्फ निष्पादन से अधिक था बल्कि ये एक जंग था। इस किताब के बारे में अगर आप ज्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो ये जो किताब है, इस किताब का नाम है हुल हुल और इस किताब का ऑथर है पीटर स्टैनले और पब्लिशर है ब्लूम्सबरी। ये शायद एक ऐसी पहली किताब है जिसने कि सांताली कम्युनिटी के जो लड़ाई था आजादी का या फिर विद्रोह जो किए थे सांताली कम्युनिटी ने ब्रिटिशर्स के, उसके बारे में यहां पर विस्तार से बताया गया है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द मुलाकात होगा अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को इसी तरह आप देखते रहिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।